अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथिश फैशन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी डिफरेंट टाइप का वीडियो। ये डेली रूटीन वाला वीडियो है, ये अलग टाइप का वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो के लिए काफ़ी मायने से काफ़ी सारे मेरी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट किए थे। शायद मेरा ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में एक होगा। मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है मैं डेली व्लॉग देने की कोशिश कर रही हूँ। डेली व्लॉग के साथ और एक सेपरेट वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आज मैं मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ डेली व्लॉग, उसके साथ मैं फ्रिज का और एक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज तो कैसे भी करके खुद को मैंने बहुत जोर पुश किया, तो मैंने नहीं करना है, मेरी सारी फ्रेंड्स के लिए ये तो मुझे करना ही है। तो आज मैं मेरी फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर करूंगी। और मेरी फ्रिज LG कंपनी का है, साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर, और 585 लीटर की है। एक्चुअली मेरी जो फ्रिज है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर किसी का ज़रूरत भी अलग होता है। मुंबई के जो वेदर रहते हैं ना, ये ह्यूमिड टाइप का वेदर है, और इसमें मसाला वगैरह आप स्टोर करोगे, आप देख के आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरी मसाला का कलेक्शन या जो भी रहता है थोड़ा बहुत स्टोर करने की कोशिश करती हूँ, वो बाहर में रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फ्रिज में ही रखना पड़ता है। और फ्रिज के बारे में पहली बात मैं बोलना चाहूँगी, मेरी फ्रिज वाइट और पिंक डिज़ाइन पे है, और मुझे वाइट कलर ज़्यादा पसंद है। और वाइट कलर से क्या होता है, थोड़ा घर भी थोड़ा ओपन ओपन जैसा लगता है। और ये जो वाइट कलर है ये मेंटेन करने में बहुत इजी है। मेरी शायद 4-5 साल की होगी फ्रिज, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। और जैसे नॉर्मल स्प्रे करके साफ करती हूँ। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ये फ्रिज मैगनेट के बारे में पूछ रहे थे कहाँ से लिए। एक्चुअली जो फ्रिज मैगनेट है ना, ये एक जगह का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह का है। जैसे ये गोवा का है, ये अलीबाग बोल के एक जगह का है, ये स्वीटी का बर्थडे पे गए थे इमाजिका का है, ये भी गोवा का है, ये मैंने क्रॉसवर्ड पे लिया था, ये बॉटल ओपनर है छोटा सा, और ये ब्रांड एग्जीबिशन लिंफली से लिया था, ये सारे मैंने किसी एग्जीबिशन से लिया था या ऑनलाइन पे लिया था मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये दो छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ये स्वीटी का क्लिप था, जैसा यहाँ पे एक क्लिप होता है ना, जो क्लिप रहता है वो खराब हो गया था, तो मैंने पीछे में एक छोटा सा मैग्नेट स्टिक करके रख दिया। दिखने में सुंदर है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्लिप था, तो ये एक DIY बोल सकते हैं। ये वाला मैंने महाबलेश्वर में गई थी वहां से खरीदा था, और ये स्वीटी का स्टिकी नोट, और यहाँ पे ये क्रॉफोर्ड मार्केट से खरीदा है, ये स्टिकी नोट जैसा है, और स्वीटी निकालती रहती है और लिखती रहती है। काव है ये, उल्टा करके है, ये देखो ये ऐसा है। ये सारे वुडन जो फ्रिज मैग्नेट है, एनिमल बर्ड इस टाइप का है, ये मैंने एग्जीबिशन से लिया था, ये शायद ऑनलाइन पे भी है, अगर मुझे लिंक मिले तो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगी। और ये है मेरी फ्रिज का अंदर का दोनों तरफ का लुक। ये है फ्रिज और इस तरफ है फ्रीजर। जो सेल्फ है यहाँ पे दही और नॉन वेज रहता है ज्यादातर, जैसा एक यहाँ पे पीछे आपको एक दिख रहा है, एक इस टाइप का बास्केट में आता है, तो इसी हिसाब से मैं रख लेती हूँ। और जो लेफ्ट ओवर नॉन वेज रहता है या मैरिनेट करके रखती हूँ तो इसी एरिया पे रखती हूँ, लेकिन आज सिर्फ जो खाने का फूड आइटम है वो रखा है, जैसे यहाँ पे दही चटनी और लेफ्ट ओवर थोड़ा फूड है। और ये जो बॉक्सेस के अंदर इस टाइप का छोटे छोटे डब्बी में जो खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ वो इस टाइप का बॉक्सेस में रखती हूँ, और इसमें भी वही सारे गरम मसाला ही है।
जैसा जायफल, जावित्री, इस टाइप का सारे सामान, इस टाइप का कंटेनर मॉन्स्टर बोल के मुंबई पे काफी सारे मॉल पे स्टोर है, वहाँ से लिया था। बॉक्स जो है ये लाइफस्टाइल का जो होम सेंटर है वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने वहीं से लिया था। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे जार में रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स, और इसमें गुड़ है जो पाम जगड़ी है, क्योंकि मैं कुछ चीजें अंदर में रखती हूँ नहीं तो स्मेल हो जाते। और यहाँ पे भी वही जो एक जागरी है जो मम्मी हमारे नेटिव से लाई थी वो रखती हूँ, क्योंकि जागरी ज्यादा दिन बाहर में रखूँ तो स्मेल हो जाता है। और यहाँ पे वही सारे ड्राई फ्रूट्स एरिया है। और इस बॉक्स के अंदर जो मेरी तीन ड्राई फ्रूट्स जो किशमिश, काजू और आलमंड्स, ये ज्यादातर यूज होता है, ये जो बॉक्स है ये मैंने लाइफस्टाइल होम सेंटर से लिया था, इसके अंदर रखती हूँ तो इजी होता है। और ये जार भी लाइफस्टाइल होम सेंटर में आपको मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स के जो नीचे का एरिया है यहाँ पे एक ड्रायर है इस टाइप का, और ये जो ड्रायर है इसमें मैं धनिया पत्ता एक जिप पाउच के अंदर रखती हूँ, मिर्ची, हरी मिर्च, नींबू, ये सारे मैं जिप पाउच के अंदर रखती हूँ। और नीचे एक टिश्यू देख देती हूँ ताकि मॉइस्चर ज़्यादा हो तो एब्जॉर्ब कर ले। और अदरक, लहसुन, और यहाँ पे जो नींबू कटा हुआ रहता है इस टाइप का जार मैं रखती हूँ, ये सारे जार होम सेंटर लाइफस्टाइल से लिया था। और इसमें भी लिक या लहसुन को छील के मैं रख देती हूँ। और मसाले की जगह के नीचे के जो पोर्शन है वहाँ पे बॉक्सेस में मैं वही मसाला ही रहता है, जैसा चिली फ्लेक्स, सिसमी, वाइट सिसमी, धनिया, बाहर में रखने से ख़राब हो जाता है, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ये बॉक्स के अंदर रहता है। ये सारे डब्बा और बॉक्स मैंने होम सेंटर लाइफस्टाइल से ख़रीदा है। और नीचे का जो बॉक्स है ये पूरी इटालियन हर्ब्स रहता है यहाँ पे, ईस्टर्न गार्लिक, ओरिगानो, थाइम, रोजमेरी, पर्सले, मिक्स हर्ब्स, बेजिल। ये जो बॉक्सेस के ऊपर आप देख रहे हो लेबलिंग, ये मैं पेपर के ऊपर लिख के यहाँ पे सेलो टेप के मदद से स्टिक करके रखती हूँ ताकि इजी हो ढूंढने में। और ये मसाले के डब्बे के साइड के सामने का पोर्शन मैं खाली रखती हूँ लेफ्ट ओवर खाना रखने के लिए। और लेफ्ट ओवर खाना मैं इस टाइप का ग्लास कंटेनर में रखती हूँ, नहीं तो स्टील के जो टिफिन बॉक्स रहता है उसमें रखती हूँ। और पीछे में कुछ मसाला मेरा रहता है जो डेली बेसिस पे यूज होता है, उस टाइप का मसाला यहाँ पे रहता है। एक ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स के अंदर जो जैम की बॉटल रहते हैं उस सारे बॉटल में मैं मसाला पोर करके रखती हूँ। इसमें रहता है येलो चिली पाउडर, अनियन पाउडर, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, इसमें ईस्ट इंडियन बॉटल मसाला, ये इस टाइप का मलाबर बिरयानी मसाला, और ये धनसक मसाला, ये सारे मेरी डेली बेसिस पे यूज होता है इसलिए इस टाइप का बॉटल में मैं पोर करके रखती हूँ। और इसके नीचे का जो बॉक्स है इसमें भी डेली बेसिस पे यूज होने वाली मसाला रहता है, मेथी, कबाब चीनी, फ्लैक्स सीड, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन और केवड़ा वाटर। और इसके नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे मैं लेफ्ट ओवर खाना और फ्रूट्स रखती हूँ, ज्यादातर इसमें फ्रूट्स रहता है, जैसा ये डब्बी में रोटी या पराठे वगैरह जब बच जाते हैं वो रखती हूँ। और इसमें भी सब्जी, लेफ्ट ओवर सब्जी जो है, और लेफ्ट ओवर ज़्यादातर सब्जी या खाने की चीज़ मैं इस टाइप का ग्लास के कंटेनर, ये लॉक इन लॉक कंपनी का है, ये आसानी से किसी भी जगह पे आपको मिल जाएगा। और नीचे में वही एक तरबूज है, फ्रूट्स, मसमलन, और इस टाइप का एक बास्केट के अंदर, जस्ट नॉर्मल बास्केट के अंदर जो जिप पाउच के अंदर मैंने ऑरेंज और ग्रेप्स रखती हूँ, या कोई भी फ्रूट्स इस टाइप का जिप पाउच के अंदर बॉक्स के अंदर रखती हूँ ताकि दिखने में भी सुंदर लगे और आसानी हो लेने में। और ज़्यादातर फ्रूट्स के नीचे इस हिसाब से मैं टिश्यू दे के रखती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले। और मैं ओपन करके रखती हूँ जिप पाउच। यहाँ पे जो ड्रायर है इसमें वेजिटेबल्स रहता है, ज़्यादातर वेजिटेबल्स मैं इस टाइप का जिप पाउच के अंदर रखती हूँ ताकि मुझे लेने भी आसानी हो और आसानी से दिख भी जाए और वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश भी रहे। और उसके नीचे और एक ड्रायर में इसमें भी सेम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी रहता है, और इस टाइप का पेपर की बैग में भी कभी कभार रख लेती हूँ ताकि वेजिटेबल्स या फ्रूट जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले, नहीं तो टिश्यू में देख के रखती हूँ। जो जिप पाउच के अंदर ज़्यादातर सामान रखती हूँ डायरेक्ट खाने वाले नहीं है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाद में वॉश करने के बाद
क्योंकि मैं वॉश करके नहीं रखती हूँ, वॉश करके मैं खाना पकाती हूँ। तो उसका ऑप्शन कुछ अभी तक मुझे नहीं मिला, अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मैं जिप पाउच के अंदर ना रख के ऐसे डायरेक्ट रख दूँगी तो वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई भी किया था काफ़ी वेजिटेबल्स दे के रख के, जितना भी एडवांस फ्रिज हो लेकिन सब्जियाँ थोड़ा बहुत ड्राई हो जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी जो फ्रिज का डोर है यहाँ पे क्या क्या रखती हूँ। ऊपर का सेल्फ है, वहाँ पे जैम और जो चाट मसाला वगैरह सीजनिंग हिसाब से यूज़ किया जाता है वही रखती हूँ। ये दो जैम है, ये जैम का डिटेल्स मैं अपडेटेड ग्रॉसरी शॉपिंग में दे दूँगी। और इसका नीचे का जो सेल्फ है यहाँ पे रहता है जैसे ये कॉफ़ी, ये आम का जो पापड़ होता है आम पापड़, और यहाँ पे स्वीटी का चॉकलेट रहता है, जैम, ये जैम ऊपर में नहीं आता है, बॉटल थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे रोज वाटर, और ये चॉकलेट का मसन चॉकलेट का एक डब्बा है लेकिन डब्बे के अंदर चिक्की रहता है क्योंकि मुंबई पे चिक्की अगर बाहर रहे तो स्टिकी स्टिकी हो जाता है। खसखस पॉपी सीड इसके बॉटल के अंदर मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। और जो उसके नीचे का सेल्फ है यहाँ पे सॉस और चीज़ इस टाइप का रहता है, जैसे यहाँ पे केचप, ड्राई कोकम, और ये है कोकम अगल, जो महाराष्ट्रियन है वो समझ सकेंगे, कोकम का जो एक्सट्रैक्ट जैसा होता है। और यहाँ पे वही सॉस, सारे सॉस, और ये मेयोनीज, और ये चीज़ स्प्रेड, और ये जगह है स्वीटी का चॉकलेट और चीज़ का ही जगह बोल सकते हैं। यहाँ पे स्वीटी अपने इस टाइप का ये प्लास्टिक का कंटेनर के अंदर छोटा छोटा जो चॉकलेट्स आते हैं एक जगह पे रखती हूँ तो इजीली हाथ पे भी आता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज भी लगता है। और जो बड़े चॉकलेट है इस हिसाब से उसी पैकेट के अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे चीज़, बटर, ये मिल्क पाउडर, और ये एक छोटी बॉटल में लीची स्क्वाश, ये ऑर्गेनिक है। अब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग का अपडेट करूँगी। और नीचे का जो सेल्फ है यहाँ पे पानी की बॉटल और मिल्क रहता है, तो मिल्क अभी नहीं है। और मैं फ्रिज में ज़्यादा पानी की बॉटल नहीं रखती हूँ क्योंकि ठंडा पानी अवॉइड करती हूँ, तो मिल्क नहीं है इसलिए ये जगह थोड़ा खाली है। और अभी मैं दिखाऊंगी फ्रीज़र मैंने कैसे करके ऑर्गेनाइज किया है। इस साइड है फ्रीज़र, और फ्रीज़र के ऊपर में कंटेनर में मटर स्टोर करके फ्रीज करके रख देती हूँ। और इसमें स्ट्रॉबेरी है जो हमने महाबलेश्वर से लाई थी, ये दोनों में स्ट्रॉबेरी है। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी मैंने महाबलेश्वर से लाई थी तो ये फ्रीज होके इस टाइप का, ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरी है। और इसमें है रोस्टेड चना दाल, ये बाहर में रखने से ख़राब हो जाता है तो इसलिए मैं अंदर पे रखती हूँ, ये डोसा वगैरह के लिए यूज़ होता है, हमारे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसलिए मैं फ्रीज में रखती हूँ। और इसमें मिश्री जो मैं मेरी नेटिव प्लेस से लाती हूँ, तो इस टाइप का कंटेनर मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे दो कंटेनर में इसमें मैदा रखती हूँ, मैदा मैं बाहर में नहीं रखती हूँ फ्रीज में ही रखती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और इसमें स्वीट कॉर्न जो है वो मैं निकाल के ये डब्बे के अंदर रख देती हूँ तो फ्रोजन टाइप का हो जाता है, और खाने के टाइम कुछ देर पहले मैं निकाल लेती हूँ। और ये एक दाल है इसको मटर दाल बोला जाता है, ये एक्चुअली मैं नेटिव प्लेस से लेके आती हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता है इस टाइप का, तो इसमें मैं रखती हूँ। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर दो स्टील की कंटेनर में इसमें जिंजर गार्लिक ज़्यादा जब हो जाता है तो मैं फ्रीज़र में फ्रीज करके रख लेती हूँ। इसमें मैं दूध की मलाई उठा के इस हिसाब से रख लेती हूँ, और इसको मैं घी घर पे ही बनाती हूँ, वो वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। और ये जो दो बॉक्सेस है इसमें भी वही मसाला ही आपको मिलेगा, और ये इस टाइप का नॉर्मल ऑर्गेनाइजर टाइप का बॉक्स है ढक्कन के साथ, क्योंकि ढक्कन के साथ रखती हूँ ताकि इसके ऊपर मैं कुछ सामान रख पाऊँ। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे तड़का मसाला है, ये है बीसी वेली भात, प्रिंसियोर का मसाला, ये आलू झोल का मसाला, ये कढ़ाई चिकन का मसाला, ये एवरेस्ट का मीट मसाला, आपको मसाला ही खजाना दिखने मिलेगा, ये उसल मसाला, और यहाँ पे जो मसाला तीनों है बंगाली बिरयानी मसाला, शाही गरम मसाला, भाजा मसाला, ये तीनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया, उसका भी लिंक दे दूंगी। और बाकी जो जो मसाला मैं घर पे बनाती हूँ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इसी बॉक्स के अंदर रखती हूँ ताकि जब खाना बनाऊँ तो बॉक्स निकाल के मैं यहाँ पे रख के चुन सकती हूँ। ये बॉक्स मैंने क्रॉफोर्ड मार्केट से लिया था, इसका नीचे का सेल्फ में भी वही मसाला ही आपको मिलेगा। और आप सब हमेशा पूछते थे ना शांतनु का मसाले के कलेक्शन देखना, ये ज़्यादातर जो मसाले कलेक्शन आप देख रहे हो ज़्यादातर शांतनु का है, कुछ कुछ मैं बनाती हूँ, कुछ कुछ शांतनु भी बनाते हैं, तो ये डब्बे के अंदर भी आपको मसाला ही दिखेगा इतने सारे। और इसमें ये डब्बे के अंदर रहता है गोवा का
कोंकणी गरम मसाला, ये काशी का मसाला, काशी बीज बोल के एक जगह है वहाँ से लेके आई थी, ये चना मसाला, कुकमी शाही गरम मसाला, ये मैं नेटिव प्लेस से लेके आती हूँ। इसमें है शाही गरम मसाला जो मेरा एक्स्ट्रा है, इसमें मगज रहता है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वही इसमें रहती हूँ और स्टोर अलग जगह पे करती हूँ। और यहाँ पे केरला का बिरयानी मसाला है, ये ईस्टर्न चिकन मसाला, जो केरलियन है, जो साउथ इंडियन है उनको पता रहेगा। ये MDH का मीट मसाला, और इसमें पानीपुरी मसाला जो एक्स्ट्रा कभी कभार हो जाते हैं, इसमें सब्जी मसाला, सनराइज का मीट मसाला, और बादशाह का पाव भाजी मसाला, इस टाइप का मसाला मैं डेली बेसिस पे यूज़ होता है वो यहाँ पे रखती हूँ। ये आइस पैक मैं यहाँ पे रखती हूँ, और इसका नीचे का जो बॉक्स है, और ये आइस ट्रे है, और नीचे का भी आइस स्टोर करने के लिए है। यहाँ पे मैं चीज़ जो अमूल की मोसरेला चीज़, ये फ्रीज़र में रखना पड़ता है तो यहाँ पे रखती हूँ, और एक्स्ट्रा जो आइस रहता है वो यहाँ पे रखती हूँ। और नीचे का जो बॉक्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रा गरम मसाला रहता है, और यहाँ पे जो गरम मसाला मैं ज़्यादा अमाउंट पे, जैसा दालचीनी, लौंग, इलायची, ये इस टाइप का जिप पाउच के अंदर, जैसा ये इलायची मैं केरला से लाई थी 2013 में, काफ़ी अमाउंट पे लाई थी, अभी तक उसका खुशबू मैं खोलूंगी तो आप तो दूर से भी सूंघ पाओगे, इतना अच्छा है। तो इस टाइप का मैं जिप पाउच के अंदर रखती हूँ, तो आप सोचो कितने साल का है ये। और ये जो खड़ा मसाला है, दालचीनी, लौंग, इलायची, जो भी गरम मसाला खड़ा है, वो अगर डीप फ्रीज के अंदर रखे तो 10-15-20 साल शायद कुछ खराब नहीं होता, कुछ भी थोड़ा सा भी फ्रेग्रेंस उसका चेंज नहीं होते। यहाँ पे वही ज़्यादातर जो गरम मसाला या मगज एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ। और ये जो नीचे का एकदम पोर्शन है, इसमें मैं नॉनवेज रखती हूँ, फिश और या जो भी नॉनवेज रहता है, तो आज कुछ भी नहीं है, खाली है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट पे नॉर्मल जब स्टोर करना पड़ता है तब नीचे का जो बॉक्स है उसमें नहीं होता है पूरी, तो मैं क्या करती हूँ, इस टाइप का जो बॉक्स है, इसलिए मैंने लिड के साथ बॉक्स लिया है, तो एक के साथ एक बॉक्स रख देती हूँ और नीचे का पूरी पोर्शन खाली हो जाता है, तो उस वहाँ पे रख सकती हूँ। फ्रीजर के डोर के ऊपर की जो सेल्फ है, इस डब्बे में रहते हैं कॉर्नफ्लावर, इसमें रहते हैं काशिद बोल के एक जगह है, वहाँ से मैंने गरम मसाला लाई थी, और इस पर रहता है कोल्हापुरी गरम मसाला, जो अभी डब्बा खाली है, जब बनाऊंगी ज़रूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट लेयर में रहता है ड्राई पुदीना, ड्राई गुलाब की पंखुड़िया जो बिरयानी में यूज़ किया जाता है, और इसमें रहता है कसूरी मेथी, और उसके नेक्स्ट लेयर में रहता है केरला का ये गरम मसाला, इसमें जो काशिद का गरम मसाला एक्स्ट्रा है वो रखती हूँ, इसमें पंजाबी गरम मसाला मैं जब घर पे बनाती हूँ इसका लिंक मैं दे दूंगी, और उसका नेक्स्ट लेयर में रहता है रांधुनी बोल के एक गरम मसाला टाइप का ही होता है, ये मैं नेटिव प्लेस से लेके आती हूँ, और सौंफ, फेनल, ड्राई करी पत्ता, और लास्ट लेयर में रहता है ब्रेड क्रम्स जो मैं घर पे बनाती हूँ। ये सारे डिटेल्स मैं किसी ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी ड्राई पुदीना है और इसमें रहता है पीनट। और मेरी फ्रिज के अंदर जो फ्रोजन फूड मैं रखती हूँ वो सारे मैं घर पे बनाती हूँ, वो तो मैं धीरे धीरे रूटीन ब्लॉग में शेयर करूँगी ज़रूर। जैसा पुदीना, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे पुदीना कैसे करके स्टोर करती हो, या स्ट्रॉबेरी, ये सारे मटर, ये सारे मैं धीरे धीरे रूटीन ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और नॉनवेज फ्रोजन फूड मेरी फ्रिज में नहीं रहता है, बहुत रेयरली रहता है, किसी पार्टी वार्टी हो तभी रहता है एक्स्ट्रा, नहीं तो नॉर्मली फ्रोजन चीज़ें मैं जो मार्केट में मिलता है वो मैं अवॉइड करती हूँ, शायद इसलिए मैं उसके बारे में टिप्स उतना नहीं दे पाऊँगी। और जो फ्रोजन फूड मैं जो प्लास्टिक के जार आप देख रहे हो उसमें रखना पड़ता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल से एक ग्लास की जार बड़े साइज का मैंने रखा था, लेकिन वो क्रैक हो जाता है, क्योंकि टेम्पर्ड होना चाहिए ना उस हिसाब से फ्रोजन चीज़ें रखने के लिए। जब मुझे मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होता, मैं वॉश करके उसके बाद कंज्यूम करती हूँ। बाकी सारे सामान तो मैं ग्लास नहीं तो स्टील के सामान के अंदर रखने की कोशिश करती हूँ, जैसा मतलब घी बनाने की मलाई या थोड़ा बहुत मसाला पीस के जो पेस्ट बना के रखती हूँ वो मैं ज़रूर स्टील के कंटेनर में रखती हूँ, ताकि मतलब थोड़ा बहुत हेल्दी करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके प्लास्टिक अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे तो मतलब यूज़ करना ही पड़ता है, इसका ऑल्टरनेटिव
अब तक ना मिले। और आज का वीडियो शांतनु ने शूट किया तो उसको थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि वो पीछे बैठा है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो और मैं अगर अकेले शूट करना चाहूंगी तो वो अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। और मेरी ये फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इससे आपको थोड़ा बहुत टिप्स में मिले तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बटन नीचे होता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।